तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उस पे देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल निकालना सीखे थे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज हम लोग निकालते हैं। और हम लोग बेसिकली क्लास 10th तक क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स को निकालते हैं, जैसे कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट फॉर 0 to 90 डिग्री। इस पे सारे वैल्यूज को हम लोग निकालना जानते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं विच इज इक्वल टू थीटा, एक एंगल थीटा बना रहा है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड आवर परपेंडिकुलर, है ना, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाए हम लोग, ये बेस है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है ऊपर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग एक कोई एंगल बनाए ए बी सी। तो लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि जो ए सी का स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, AB² + BC² यस, प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंगल्स का रेशियो लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को, एक होता है साइन थीटा, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, ठीक, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन क्या होता है, पी और एच के रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, बी और एच के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, और पी बाई बी यानी कि बाय परपेंडिकुलर बेस को बोलते हैं टैन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं कोसेक थीटा, जिसको बोलते हैं हम लोग एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, है ना, बी एच बाई बी, एंड कॉट थीटा विच इज इक्वल टू बी बाई बाय बी बी, ठीक। इतना तो पता होगा बेसिक्स। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, यानी ये रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली यदि हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे हम लोग को मिल जाएगा वन, है ना, पी बाई एच, एच बाई पी तो कट जाएगा, वन मिल जाएगा। इसी तरह व्हेन वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ कॉस थीटा एंड सेक थीटा हम लोग को मिल जाएगा क्या, वन, ठीक है। बाय सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हम लोग टैन थीटा और कॉट थीटा ले लेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ भी हम लोग को वन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बेसिक बात समझ में आ गया होगा। तो देखो मेन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बेसिक तीन फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। यदि हम लोग, अब देखो और एक चीज, अगर मान लो कि हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टैन थीटा, है ना, साइन बाई कॉस टैन होता है, पी बाई एच बाई बी बाई एच, तो क्या बचेगा, पी बाई बी यानी कि टैन थीटा। और इसी का रेसिप्रोकल करेंगे अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो क्या मिल जाएगा बोलो, कॉट कॉट थीटा थीटा मिल जाएगा, है ना, कॉट थीटा, ये सब पता है सबको क्लास 10th में। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। अब मान लो कि हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को, इस इक्वेशंस को पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा वन बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, इसको पूरे को साइन से डिवाइड दे रहे हैं, तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर वन, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, और वन बाई साइन स्क्वायर थीटा इज योर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक। नाउ द थर्ड वन इज व्हेन वी डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा विल गेट टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर कर देंगे तो वन हो जाएगा, एंड वन बाई कॉस इज द सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे तीनों बेसिक फॉर्मूला हम लोग को ये वाला मिल गया है, ये भी हम लोग क्लास 10th में जो है पढ़ चुके हैं, ये हम लोग सारा कुछ क्लास 10th में देख चुके हैं, ठीक है। 12th 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज पड़ेगा, फिजिक्स में हम बता रहे हैं, ठीक है, ये सब लोग क्लास 10th में देख चुके हैं। अच्छा और एक बात हम लोग क्या देखे थे, देखो हम लोग स्क्रीन पे देखो हम लोग क्या किए थे कि साइन, या देखिए हम लोग किए थे साइन, ठीक है, और कॉस, और टैन का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए, फाइंड आउट मतलब याद रखे थे, या फिर फाइंड आउट करने भी बहुत नॉर्मल है, कर सकते हैं,
60 के लिए एंड 90 के लिए, ठीक है ना? ये सब वैल्यू आप लोग जानते होंगे, साइन जीरो का जीरो होता है, साइन 30 का हाफ, साइन 45 का 1/√2, √3/2 एंड 1, फिर जस्ट यहाँ 1 हो जाएगा, √3/2, 1/√2 कॉस 60 का 1/2 और जीरो, है ना? यहाँ फिर जीरो, 1/√3, 1 एंड √3, और यहाँ पे होता है अनडिफाइंड, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो देखिए 90 तक का वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये भी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ये भी आप लोग क्लास 10th में इन सब वैल्यू को पढ़ चुके हैं, तो ये सब आप लोग जानते हैं, हम बस एक बार बता दिए 5 मिनट्स में। लेकिन अभी मान लीजिए कि हम लोगों को 90 के आगे का भी वैल्यू चाहिए, हम लोग को 90 के आगे का वैल्यू चाहिए, मीन्स हम लोग को चाहिए 90 से लेके 180 के बीच में सारा वैल्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। सो हम लोग को बहुत सारा वैल्यू चाहिए ऐसा, तो इसके लिए हम लोग ये नहीं करेंगे कि 360 तक वैल्यू याद करेंगे, हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं, एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, जिसके मदद से हम लोग सारे वैल्यूज को फाइंड करेंगे अप टू 360 डिग्री। इवन वी हैव टू फाइंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल लाइक 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री एंड सो ऑन। सो लेट्स सी हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। हाँ देखो, हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, ठीक है? हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किए हैं, ये वाला बड़ा सा, ठीक? देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, ठीक? इधर हम लोग ले रहे हैं एक्स डैक्स, एक्स डैस, ये ले रहे हैं वाई एक्सिस, इधर ले रहे हैं वाई डैस, ठीक है? देखिए नाम कैसे इसको लिखिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत सिंपल, इसको अच्छे से देखिए तुरंत हो जाएगा, ठीक? ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोल रहे सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है? ये देखो, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? बोलो, थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां लाई करेगा? 0 to 90 जीरो टू 90 करेगा, ऑब्वियसली 0 to 90 करेगा, ठीक है? यस। तो थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यस। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आइएगा तो थीटा लाई करेगा कहां से कहां तक? 90 से लेके 180, 180। 180 फिर आप जब थर्ड में आइएगा तब 180 से लेके to 270 270, ठीक है? 270 तक लाई करेगा, और जब फोर्थ में आइएगा 270 to 360 270 to 360, ठीक? तो ये भी आप लोग समझ गए हैं, 360, ठीक है? तो देखिए हम लोग सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू को जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू को निकाल लिया, या क्लास 10th में पढ़े हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे 0 से 90 तक के बीच में। अभी हम लोग को चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू सब, ठीक? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे और एक बात बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि फिर से हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हम लोग, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे लोग और एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग एक सपोज राइट एंगल ट्रायंगल को, चलो ऐसे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक लेके, हाँ चलो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये फिर से 90 डिग्री ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, दिस विल गिव्स अस थीटा,
एंड अगर ये वाला वैल्यू लेंगे तो ये कितना एंगल होगा बताओ, ये बताइए एंगल कितना होगा, बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, नाइन, ठीक है ना, यस सर, ये 90 है थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा बिकॉज होल इज 180। सो हम लोग को इस ट्रायंगल के लिए दिख रहा है वैल्यू सब, तो इसके लिए भी हम लोग साइन थीटा का बात अगर करेंगे, कॉस थीटा का बात करेंगे, टैन थीटा का बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वही वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, मतलब जो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, ये बेस है अपना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी, ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यदि मान लीजिए हमको साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू चाहिए, हम लोगों को चाहिए साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू, तो बता सकते हैं कितना होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ हम लोग थीटा किस एंगल को मानते हैं, हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के वैल्यू को, बेस बेस के बीच के एंगल को थीटा मान रहे हैं, हाँ है ना। तो ये बताइए साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग का बेस और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, देख के बताइए, 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग क्या हो जाएगा बेस हाइपोटेनियस, इसमें नेम नहीं किया हुआ। ठीक है। देखिए अगर थीटा 90 माइनस ये वाला एंगल लेते हैं तो हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, और जो पी है वो बेस हो जाएगा ना इसके लिए, है यस कि सर, नहीं, और जो बी है वो पी हो जाएगा इस एंगल के लिए, क्योंकि थीटा क्या है, बी एच का, बी और एच के बीच का एंगल, तो इस थीटा के लिए ये एच और ये बी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, तो ये साइन थीटा के लिए ये जो पी है, तो ये जो बी है वो पी हो गया, तो बी पी हो गया और एच तो एच ही रहेगा, तो बेसिकली देखिए बी बाई एच क्या है, कॉस थीटा है, तो ये अपना एक्चुअली कॉस थीटा है, समझ रहे हैं। तो यानी यस, क्या यहाँ पे दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉस कॉस थीटा हो थीटा, जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा ये आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली यदि देखो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग लेंगे, तो सिमिलरली देखो कॉस 90 माइनस थीटा में फिर ये बी पी बन गया, तो पी बाई एच आ जा रहा है, ये तो पी बाई एच आ जा रहा है, तो पी बाई एच आ रहा है मतलब कौन सा एंगल आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, यस साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ गया। सिमिलरली यदि हम लोग टेन 90 माइनस थीटा करके देखते हैं तो वी विल गेट कॉट थीटा, ठीक। सो हम लोग को यहाँ पे क्या दिखा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा इज योर साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इज द कॉट थीटा, और देखो सब में पॉजिटिव आया क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो यहाँ पे उसको आराम से लिख सकते हैं थोड़े बढ़िया से इस चीज को समझ के, कि फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, चेक फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए क्या लिखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, इसको एक साथ लिख दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा, ये सब का वैल्यू हम लोग को मिल गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या मिला, कॉस थीटा मिला, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मिला, और ये कॉट थीटा मिल गया, और ठीक है। थीटा, अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट का जब बात करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ देखिए ध्यान से, जब सेकेंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो बताओ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या हो सकता है बताइए, थीटा का वैल्यू 90 से क्या हो जाए सेकेंड क्वाड्रेंट पे, या क्या दिख रहा है, 180, ज्यादा होगा, 182, हाफ, हाँ या 180 से कम होगा, यस, तो आइदर लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, रुको इसको ठीक से लिख देते हैं, 181, एक सेकेंड इसको ठीक कर, हाँ ये 90, आइदर साइन 90 प्लस थीटा नहीं तो कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस, नहीं तो टेन 90 प्लस थीटा होगा, है ना, ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, क्लियर,
सॉरी 180 माइनस थीटा, या तो कॉस 180 से कम। समझ में आ रहा ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये सब भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा लाई करता है। तो एक बात यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे हम एक और चीज बना रहे हैं, देखो ध्यान से स्क्रीन पे, एक और चीज हम यहाँ पे स्क्रीन पे बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सपोज दिस आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होता है, तो बोलेंगे ऑल पॉजिटिव। हम लोग दिख रहा है कि 0 से 90 तक सब पॉजिटिव है। सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो साइन पॉजिटिव होगा, साथ में उसका रेसिप्रोकल कोसेक होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। तो बोलते ऑल साइन टैन कॉस, इस तरह याद रखते हैं हम लोग, ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, याद रहेगा। बोलो। यस सर। याद रहेगा ना, ऑल साइन टैन कॉस। यस सर। ओके ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे। हाँ बोलो क्या। कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक होगा सर। देखो यहाँ लिखे हैं, ये देखो यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फिर कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो साइन का वैल्यू, ये साइन यहाँ देख रहे हैं, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अभी बताए थे कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में साइन का वैल्यू बदलता है, तो सीधा सीधी इसको तुम लिख दो कॉस थीटा, ठीक है, इसको लिख दो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, एक सेकेंड को थोड़ा सिलेक्ट किया हुआ ना स्केल, इसलिए ऐसा आ रहा है। हाँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ये देखिए ध्यान से। और यहाँ पे 90 प्लस थीटा कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो वैल्यू को यहाँ नेगेटिव कर देना, इसको देख के करना यहाँ पे इस एंगल को, समझ में आ रहा है ना। बोलो, बोलिए, समझ में आ रहा ना। यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कर रहे हैं, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका साइन क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कॉस नेगेटिव, और टैन भी नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, 90 वैल्यू बदलता है। अच्छा 180 जब लेंगे 180 उसमें वैल्यू नहीं बदलेगा, ये साइन थीटा ही रहेगा, बस साइन देखना पड़ेगा, ये फिर से पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस टैन थीटा। अब इसको एग्जांपल से समझो थोड़ा, देखो, ठीक है, समझ में आ गया, बोलिए। यस सर। 180 वैल्यू नहीं बदलेगा। अब देखो एग्जांपल यहाँ एक, मान लीजिए हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है हम लोग को साइन 120 डिग्री, ठीक, या तो कॉस 120, चलो ये नंबर वन दे देते हैं, और नंबर टू में फाइंड करना है कॉस 120, और नंबर थ्री में फाइंड करना है टैन 120। तीनों का सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ एंगल है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 120। तो हम लोग को ये याद नहीं करना है कि साइन 120 का कितना होगा, या कॉस 120 का कितना होगा, या टैन 120 का कितना होगा, हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे। इस साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 30। यस, वेरी गुड, इक्वल टू कॉस 30, पॉजिटिव कॉस 30, मतलब सिर्फ कॉस 30। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह चाहिए कॉस 120, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 प्लस 30,
बताओ कितना वैल्यू आएगा? माइनस साइन थर्टी, वेरी गुड, माइनस साइन थर्टी क्या हो जाएगा वैल्यू? माइनस माइनस वन बाई टू। वन बाई टू, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देखो टैन टैन 120 का क्या लिख सकते हैं? टैन 90 प्लस 30, तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस कॉट, कितना होता है कॉट 30 का वैल्यू? रूट थ्री हो जाएगा ना, टैन 30 वन बाई रूट थ्री होता है, तो कॉट 30 रूट थ्री, हाँ उल्टा हो जाएगा। जस्ट समझ में आ गया ना, टैन 30 इज वन बाई रूट थ्री, सो कॉट 30 रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो इसको हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का आप लोग बताना क्या क्या आंसर आएगा, हम लिख देते हैं ध्यान से। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग बताना है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट, हम लोग तीनों क्वाड्रेंट का लिखते हैं वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। पहले थर्ड का, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर हम लोग फोर्थ का लिखेंगे। तो थर्ड में वैल्यू क्या क्या आएगा? चलिए बताइए, साइन का वैल्यू क्या क्या लिखेंगे थर्ड में? बताइए थर्ड में साइन का वैल्यू क्या क्या होगा, क्या लिखेंगे? बोलो क्या क्या वैल्यू हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में? साइन का वैल्यू क्या होगा? 180 प्लस, 180 प्लस थीटा होगा ना, होगा कि नहीं बोलो? यस 180 प्लस, हाँ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वार्टर में 180 से ज्यादा एंगल, तो लिख दो 180 प्लस थीटा, या फिर कॉस कितना? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, और टैन भी 180 प्लस थीटा, और क्या हो सकता बताइए? तो साइन का वैल्यू साइन 270 माइनस थीटा, यस वेरी गुड, साइन 270 माइनस थीटा, सिमिलरली कॉस का कॉस 270 माइनस थीटा एंड टैन। चलिए अब बताइए कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो जाएगा। देखिए 180 वैल्यू नहीं बदलता है, तो यहाँ बताइए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा, 180 में कॉस नहीं बदलेगा, तो कॉस थीटा, और टैन भी क्या रहेगा? टैन थीटा। साइन क्या हो जाएगा बताओ, कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा? तो साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है ना, थर्ड में क्या बताए थे? टैन पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ टैन पॉजिटिव, टैन और कॉट, टैन और कॉट, तो यहाँ कौन कौन सा पॉजिटिव आएगा? बस टैन पॉजिटिव होगा ना, ये वाला पॉजिटिव होगा, साइन कॉस माइनस, माइनस में होगा, वेरी गुड। सिमिलरली यहाँ भी साइन दे दो, समझ में आ रहा ना? 270 वैल्यू बदलता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो देखो अब फाइंड करने हम दे रहे हैं कुछ वैल्यूज को सेकेंड क्वाड्रेंट का, ठीक। जैसे मान लो क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग को सपोज निकालना है 210 का वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं, साइन 210 डिग्री का निकालना है, कॉस 210 का निकालना है, और टैन 210 का निकालना है। हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, बताइएगा आंसर। चलो दोनों जन बनाओ, हम लोग पहला चाहिए साइन 210 का, क्या लिख सकते इसको? साइन 180 प्लस 30, यस लिखेंगे साइन 180 प्लस 30, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा ये? माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, वेरी गुड, यानी माइनस वन साइन 30 आएगा, तो ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, सिर्फ टैन पॉजिटिव। इसको और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे तुम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों से सेम वैल्यू आएगा, 270, हाँ 270 माइनस कितना करना पड़ेगा बोलो? 60, यस। तो चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो जैसा मन, जैसा हमको कन्वीनियंट लगे हम लोग कर सकते हैं,
तो हम लोग का कितना आ जाएगा ये cos माइनस cos 60 हो जाएगा, है कि नहीं? और cos 60 वाले भी कितना होता है माइनस, मतलब हाफ ही होता है, तो ये भी माइनस हाफ ही आएगा यहाँ से भी. ठीक, क्लियर हो रहा है? यस सर. ठीक है, तो बताइए cos 30 का वैल्यू, सॉरी cos cos 210 का वैल्यू कितना है आंसर? cos 210 कितना आया और tan 210 कितना है बोलिए? टेन का 1/√3. अच्छा, और cos cos का, cos का एक मिनट, cos का नहीं बना, 180 + 30 -√3/2. अच्छा ठीक है, तो cos को लिख देख लेते चेक करके कितना आ रहा है. मिनट. ठीक से बनाओ, इसमें कुछ गलत होने का चांस नहीं है. cos 180 + 30 लिखेंगे तो क्या होगा, cos ही हो जाएगा, तो हाँ माइनस cos सही थीटा हो है, जाएगा, है ना? -√3/2. माइनस रूट 3/2 हो जाएगा. सिमिलरली इसको लिख दो tan 180 + 30, तो क्या होगा tan 30, ये पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो 1/√3 होता है tan 30 का. ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? समझ में आ रहा है ना, यस सर. ये पॉजिटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan, और ये दोनों नेगेटिव आया. अब है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो हम लोग से थर्ड क्वाड्रेंट कर लिए, नोट डाउन भी करते रहिए. थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. ठीक, अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का. फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं? साइन कितना 270 + θ प्लस थीटा. प्लस थीटा ठीक, सिमिलरली cos 270 + θ एंड tan 270 + θ. ठीक, और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? sin 360 - θ. यस, साइन 360 - θ. तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं अप टू 360 डिग्री इस फॉर्मेट में. याद रखिएगा कि 270 पे वैल्यू बदलता है, 360 पे नहीं बदलेगा, 180 पे नहीं बदलेगा, 90 और 270 पे बदलेगा. ठीक है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, और टैन का हो जाएगा कॉट. कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. कौन पॉजिटिव होगा? ओनली कॉस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सिर्फ कॉस वाला पॉज, कॉस वाला पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव. ठीक है, ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी ये दो नेगेटिव, तो यहाँ पे तो साइन ही रहेगा. दोनों में से किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू ही आएगा. ठीक, जिस भी फॉर्मेट में सेम वैल्यू आएगा. तो यहाँ एग्जांपल एक देते हैं, फटाफट निकालिए इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक एक एग्जांपल दे रहे हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 300 का निकालिए. ठीक है, कॉस 300 का एंड टैन 300 का. ठीक, चलिए बताइए वैल्यू क्या क्या होगा, एक मिनट टाइम दे रहे हैं, फटाफट बताओ करके इसको सॉल्व. क्या हो जाएगा साइन 3? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ एकदम फटाफट. कितना गया? तुरंत बनना चाहिए, विद इन 1 मिनट. बोलिए क्या क्या वैल्यू आया, बना कि नहीं? हाँ
क्या हो जाएगा? साइन 300 को लिख सकते हैं, साइन कितना, इसको लिखते हैं 270 प्लस 30, ठीक है। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 प्लस 30, ठीक और टेन को भी लिख सकते हैं हम लोग, टेन 270 प्लस 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ये माइनस, कॉस 30 हो जाएगा, ये माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, कॉस प्लस होता है, ये प्लस साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 30 हो जाएगा ना, बोलिए क्लियर है ना। यस कॉस 30 का लू क्या होता है, अंडर रूट 3/2 माइनस हाँ रूट ओवर 3/2। अंडर रूट 3/2 तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस रूट 3/2, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे लिख दीजिए कितना आएगा, 1/2 इसका रूट 3, ठीक, माइनस माइनस रूट 3। तो ये सब तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम लोग इसके आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक ध्यान से इसे नोट डाउन कर लेना, समझ भी लो। इसके आगे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को पूरे 11 12 तक काम आएगा, कि कोई भी फिजिक्स के फॉर्मूला को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, ठीक है, बता दे रहे क्या क्या है। जैसे पहला, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बहुत अच्छे से याद रखना है, हर जगह यूज होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। पहला फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं साइन, ये याद रखना, इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, बस याद रखना है, हमेशा यूज होगा, साइन ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए कॉस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। नंबर टू एक फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, इसका लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस नहीं कॉस ए साइन बी। ये क्लास किए थे क्या पहले? अच्छा सर नहीं किए थे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा तीसरा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी में एक बात ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी, और प्लस या माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। और फोर्थ वन इज कॉस ए माइनस बी, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा उल्टा होता है, तो इसको लिख देंगे हम लोग, ठीक है, इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस बी को। अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कॉस ए प्लस बी को ठीक से, हाँ ये यहाँ पे ना साइन ए नहीं होगा, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी होगा, तो इसको कॉस ए कर लो, ये बाई मिस्टेक हम लिख दिए, सॉरी, ये कॉस ए कॉस बी होता है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, इसको ठीक कर लो थोड़ा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह कॉस ए माइनस बी में हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये उल्टा होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस, ठीक याद रहेगा, सर ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। एक होता है टैन ए प्लस बी का, फिफ्थ वन, टेन ए प्लस बी, तो इसको होगा टेन ए टेन बी,
टैन ए प्लस टैन बी डिवाइड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ये हो जाएगा टैन ए प्लस बी का. सिमिलरली इफ यू राइट द फॉर्मूला ऑफ टैन ए माइनस बी, इनको नोट डाउन कर लो सारा फॉर्मूला. ये होगा टैन ए माइनस टैन बी, और यहां क्या हो जाएगा वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी. ठीक, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है, इनको याद रखना अच्छे से. लिख लिए, लिख रहे हैं ना? यस सर. ठीक, इसको लिख लीजिए, आगे बताते हैं फिर. सर हो गया? हो गया. यस. अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको साइन टू ए का चाहिए. क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी फॉर्मूला नंबर सेवन बता रहे हैं, हमको यहाँ पे इक्वेशन चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए साइन टू ए का. तो टू ए कैसा मिलेगा, जैसे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला में अगर साइन ए और बी दोनों को ए रखते हैं, दोनों इक्वल रखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, साइन ए प्लस ए. ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन ए के जगह भी ए है और बी के जगह भी ए है, तो क्या हो जाएगा ये साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए. ठीक, तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया टू साइन ए कॉस ए, ये हो गया टू साइन ए कॉस ए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, टू टाइम्स हो गया. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे है साइन टू ए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे है साइन टू ए का. ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन टू ए का. नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए कॉस टू ए, हम लोग चाहिए कॉस टू ए. ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस ए लिख सकते हैं, तो ये कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होता है कॉस ए इंटू साइन ए. हाँ मतलब ये फॉर्मूला याद है ना, कॉस ए कॉस बी. ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए के जगह क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए ही हो जाएगा, मतलब कॉस ए इंटू कॉस भी होता है ना. Yes, और क्या होता है माइनस साइन इंटू साइन भी, तो ये भी साइन इंटू साइन ही हो जाएगा. तो यहां से क्या आप लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास कॉस टू ए का फॉर्मूला. उसको और एक वे में भी लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं क्या, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे 11 12 तक हमेशा जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में, इसके बिना डेरिवेशन वगैरह में हमेशा इसका यूज होते रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है. एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉस टू ए का फॉर्मूला, कॉस टू ए का फॉर्मूला. ठीक है, इसको और एक तरीके से लिख सकते, देखो जैसे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख दिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक, या फिर हम लोग इस साइन स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर तो था, साइन स्क्वायर को क्या लिख दिए वन माइनस कॉस स्क्वायर. ठीक है ना, क्लियर है, बोलिए समझ में आ गया ये. यस सर. तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर माइनस वन,
ये cos 2a हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला है, ये तीनों है। एक तो ये भी है, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos 2a को, नहीं तो फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ये लिख सकते हैं। तीनों इक्वेशन जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन राइट दिस वन, ठीक है ना। यस अब टैन टू ए का हम लोग लिखना है, ए 9 नंबर फॉर्मूला, टैन टू ए। टैन टू ए क्या हो जाएगा, टैन टू ए, ये टैन ए प्लस ए, तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी, 1 माइनस टैन इंटू बी, तो टैन ए प्लस टैन ए हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, टैन इंटू टैन इज द टैन स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टैन ए, टैन ए प्लस टैन इज 2 टैन ए, डिवाइड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, दिस इज फॉर्मूला ऑफ टैन टू ए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टैन टू ए का। टू टैन ए 1 माइनस टैन स्क्वायर, ये हो जाएगा टैन 2a का फॉर्मूला। क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे इक्वेशन अभी सीखे हैं, टैन 2a, साइन 2a, कॉस 2a, टैन कॉस 2a, साइन 2a, टैन 2a, उसके बाद साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, टैन a प्लस बी, फिर माइनस वाला सारा टर्म, फिर हम लोग क्वाड्रेंट निकालना है, सब सीखे हैं, ठीक। तो ये सब का जरूरत पड़ेगा हर जगह। अच्छा, और एक बात इंपॉर्टेंट, अगर हमको साइन 2a का पता है, हमको साइन a चाहिए, तो साइन a को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे साइन 2a को लिखे थे क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइन a cos a, मतलब साइन 2a को लिखे 2 sin a cos a, यस सर। यहाँ पे अगर 2a था तो यहाँ पे सिंगल a आया था ना, सिंगल a, देखो सिंगल a, ठीक। तो अगर साइन a लिखेंगे तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 2 sin a by 2 cos ए बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है हम लोग का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ए को। फिर सिमिलरली वी कैन ब्रेक कॉस टू कॉस ए, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, जैसे कॉस टू ए का क्या था, 2 cos a cos2 है मैंने साइंस को, इसी तरह कॉस ए का हो जाएगा cos2 a by 2। इन सब का जरूरत बहुत पड़ेगा आगे, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, यस ठीक। सिमिलरली अगर हमको लिखना है टैन, या फिर इसका और एक टर्म में लिखना है, तो और इसका और एक टर्म क्या आया था, 1 माइनस 2 sin2 a, तो इसका ये आ जाएगा 1 माइनस 2 sin2 a by 2, ये भी कॉस ए का हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कितना, 2 cos2, सॉरी यहाँ हाँ cos है, ठीक लिख रहे हैं, 2 cos2 a by 2 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तीनों फॉर्मूले के वाला रहेगा हम लोग का, ये तीनों। इसके हम लोग लिख रहे हैं 12 नंबर, टैन ए को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे टैन टू ए को लिखते हैं 2 tan 2a, क्या लिखते हैं 2 tan a 1 minus tan square a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan a by 2, डिवाइड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर, ए बाई टू, ये हो जाएगा टैन ए, ठीक। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री, साइन टू ए, कॉस टू ए, टैन टू ए, साइन ए, हमको हर जगह इसका रिक्वायरमेंट होगा ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इन सबको नोट डाउन कर लो।
सब हो गया। हो गया, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद जो है और कुछ बताने बता दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे इन सब का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे देखो कुछ वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, मान लो इसका हम लोग बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगा हर एक जगह। मान लीजिए हम लोग को निकालना है ना ये सब वैल्यू, जैसे साइन 15 डिग्री का, ठीक, बहुत इसका यूज है। हम लोग साइन 15 का वैल्यू चाहिए तो निकाल सकते हैं, बताइए साइन 15 का, बताइए तो कैसे निकालेंगे। या चाहिए कॉस 15 का, बताइए कैसे निकालेंगे। या मान लीजिए चाहिए 105 का या 75 का, निकाल पाइएगा साइन 15। देखो नहीं। यहाँ, देखो यहाँ पे सिखा रहे कैसे होगा। जो साइन 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 15 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 -30 लिख सकते कि नहीं, 15 को ऐसे बोलो। यस सर। तो क्या ये साइन ए -b के फॉर्मूला में आया, आया कि नहीं। हाँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए -b का, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन यस बी। कॉस ए साइन बी, वेरी गुड, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी। तो ये सब तो फॉर्मूला पता है, इसका होगा 1/√2 साइन 45 का, कॉस 30 का क्या होगा √3/2, इसका होगा 1/√2 और साइन 30 का 1/2। तो एलसीएम ले लेंगे अगर 2√2, क्या मिलेगा √3 - 1, तो यहां से मिल गया cos 15 का वैल्यू। क्लियर हुआ, तो यस कैसे यूज होगा ये सब फॉर्मूला का। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा √3 - 1/√2, तो ये होगा cos 15 का वैल्यू। सॉरी साइन 15 का निकालें, cos बोलते हैं ये, cos साइन 15 का निकालें, है ना, साइन लिख दो। चलो अब कॉस 15 का बताओ तो क्या होगा, कॉस 15 का निकालो। सकर हाँ कॉस 15 का निकालिए, वैल्यू बताइए क्या आएगा। इसी तरह टैन का निकल जाएगा, साइन बाई कॉस कर देंगे। तो चलिए कॉस 15 का निकालिए, कॉस 45 - 30 कर दीजिए, कॉस ए माइनस बी का यस फॉर्मूला लगाइए, तो बताइए क्या आंसर आएगा। कॉस 15, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। यही आंसर है। सेम हाँ सेम आया। सेम कैसे आएगा, कॉस ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस लिखते हैं ना, प्लस लिखे हैं कि माइनस ही लिख दिए हैं। माइनस हाँ इसका प्लस होगा ना, देखो फॉर्मूला देखो ऊपर, कॉस ए माइनस बी को क्या लिखे हम लोग, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन भी लिखते हैं ना, हाँ ठीक, तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, एरर समझ में आ गया, यस ऐसे लिखेंगे। दस होगा। हाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं, कॉस 45 को हम लोग 15 को कॉस 45 - 30 लिखेंगे, -30 तो कॉस ए माइनस बी के जब फॉर्म में आएगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी। हाँ cos 45 × cos 30 +sin 45 × sin 30। यस यस, कॉस ए कॉस बी, एक सेकेंड रुको, कॉस ए कॉस बी और प्लस क्या हो जाएगा, यस sin 45 साइन ए साइन बी, साइन 45 - sin 30 है कि नहीं, तो बस सॉल्व कर दो, प्लस प्लस हो जाएगा इसमें, आंसर सही है आपका, बस इसमें
प्लस हो जाएगा माइनस करेगा। तो यहाँ पे इसको लिख दो वैल्यू। ठीक, अब हम और एक क्वेश्चन देंगे, उसको बनाओगे ठीक है, उसको बना के बताइए कितना आएगा। ये हो जाएगा कितना, रूट थ्री प्लस वन। चलिए तो आ गया। अब टैन का तो निकाल ही लीजिएगा दोनों का डिवाइड देके। तो टैन क्या, साइन बाई कॉस टैन होता है, यानी कि रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस वन आ जाएगा आंसर। रूट टू कट जाएगा ठीक है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे वैल्यू निकालिए, साइन 75 का बताइए क्या आएगा, और आप निकालिए कॉस 75 का। ये चलिए बनाइए दोनों, ये दोनों बताइए क्या आएगा, इसको फाइंड आउट कर बताइए। देखिए अब कॉस 75 को क्या लिख पाइएगा, जल्दी बताइए। क्या लिख सकते हैं 75 को हम लोग? 90 माइनस 75। नहीं, 75 को 90 माइनस 15 लिखेंगे ना। अच्छा 19 माइनस 50 तो 70। हाँ 90 माइनस 15। हाँ तो साइन, वेरी गुड, साइन 75 को लिखना है अगर, तो बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है। साइन 75 को अगर लिखना है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला सिखा है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, यस सर। तो कॉस 15 आ जाएगा। अब सीधा कॉस 15 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना होता है ये वाला, क्या ये बात समझ में आ गया? अंडर रूट ठीक है हाँ, प्लस सब साइन चेंज हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा जो कॉस 15 का वैल्यू है वही साइन 75 का भी है। सिमिलरली आप निकाल दीजिए यहाँ पे कॉस 75 का, तो इसको आप क्या लिख सकिएगा, इसको लिखिएगा कॉस 90 माइनस 15 लिखिएगा, तो आपका साइन कितना आ जाएगा, साइन पंद्रह आ जाएगा, और साइन 15 का आप जानते हैं, क्लियर है, बोलिए। तो जो साइन 75 का है वही कॉस 15 का आएगा, जो कॉस 75 का वही साइन का आएगा ठीक। चलिए 105 का बताइए जल्दी से, फिर आज क्लास हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कुछ कुछ चीज बता के फिर हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे ठीक है। 105 का बताइए जल्दी से, साइन या कॉस। साइन 105 और कॉस 105 दोनों का ठीक है। चलिए वाला बताइए, सर साइन 90 प्लस 25। प्लस 15, साइन 90 प्लस 15 ना, 105, 90 प्लस 15 होता है ना 105, है हाँ मेरे को कि 15 नहीं? लग रहा। हाँ यस सर हाँ तो बनाओ, साइन बनाइए बनाइए 90 प्लस 15। बनाइए बनाइए। कितना हो जाएगा आंसर? अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। वही आ गया, वही सेम ही आ गया, 75 वाला ही। एक माइनस साइन आएगा ना पहले, देखो साइन 105 को क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेंट का साइन भी तो देखना है। साइन 90 प्लस 15 लिख रहे हैं ठीक। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है यस सर ठीक कॉस है, फिफ्टीन। कॉस थीटा होता है हाँ वही आ जाएगा ठीक है। ठीक है वेरी गुड, नहीं कॉस थीटा होता है ना ये, हाँ कॉस थीटा होता है, हाँ तो वही आ जाएगा ठीक। दोनों में तो पॉजिटिव ही रहता है सेकंड क्वाड्रेंट साइन, यस यस सेम सेम वैल्यू, साइन 105 और साइन 75 का सेम वैल्यू आ रहा है ठीक है, क्लियर है यस सर। ठीक है। अब कॉस का निकाल लेते हैं, इसको लिख रहे क्या, कॉस कॉस नाइन्टी नाइनटी प्लस क्या प्लस 15 पंद्रह, हाँ 15, जो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, यस सर।
साइन 15 का वैल्यू कितना था? माइनस रूट थ्री, देखो साइन 15 कितना होता है, साइन 15 रूट थ्री माइनस 1 बाई 2 रूट 2, तो एक थ्री नेगेटिव साइन माइनस रहेगा। वन बाई रूट हाँ 2 रूट 2, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी रहेगा, ठीक है, यस सामने एक नेगेटिव रहेगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस रूट 3 बाई 2 रूट 2, इसको इस तरह सजा के भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सजा के। क्या लिखिएगा, 1 माइनस रूट 3, माइनस वन माइनस वन और माइनस वन प्लस वन हो गया, ऐसे इसको लिख सकते हैं ठीक से अरेंज करके। तो ये आ जाएगा आपका कॉस 105, ठीक है। साइन 105 का समझ में आ गया, साइन 75 का समझ में आ गया। तो साइन 75 कॉस 75, साइन 75 कॉस 15 सेम वैल्यू आ रहा है, क्लियर है ना। तो इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जहां पे भी रिक्वायरमेंट हो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या इक्वेशन को यूज करेंगे। जैसे कि वेक्टर हो गया, जैसे कि वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें, फिर हम लोग काइनामेटिक्स पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो इन सभी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, वेक्टर्स का यूज करते हैं, इसीलिए ये सब बातें अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसका हर जगह यूज होगा। इन जितना फॉर्मूला लिखाए हैं ठीक, उन सबका इक्वेशंस, उन सबका जो यूजेस है वो होते रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक, पूछिए कोई डाउट है तो। अच्छा तो सब लोग मतलब लिख, सब सब नोट डाउन कर लिए हैं ना पूरा? देख लो अगर कुछ पूछना है तो पूछो, किसी भी तरह कोई डाउट। नो सर, एक बार और रिवीजन कर लेंगे, फिर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हाँ, ठीक, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए पूरे अच्छे से, और अगर कोई भी डाउट होगा तो इसको फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए सारा, 15 का निकाल लिए थे हम लोग कॉस 45 माइनस 30 करके, उसको ब्रेक कर दिए थे, यहाँ पे साइन का मिल गया था हम लोग को, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, 75 के लिए 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा करते तो 75 आ जाएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही आएगा। और सिमिलरली हम लोग कॉस साइन 105 का निकाले, वो फाइंड आउट कर लिए, कॉस 75 105 में डिफरेंस क्या है, साइन का डिफरेंस है बस, समझ में आ गया, साइन का बस डिफरेंस है, बाकी दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। और इसमें चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 90 प्लस थीटा भी फर्स्ट में है, साइन 90 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग क्लास यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ये लिख लिया पूरा ना? ठीक है, ओके।